गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पहुंचने ही वाले हैं कन्याकुमारी और हमारा यहां से कन्याकुमारी का जो ट्रिप है वो स्टार्ट होता है। सो, मैं बताना चाहती हूँ कि कल हमने बेंगलुरु स्टेशन से, जो कि SMBT स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहां से ट्रेन ली थी जिसका नाम है नागरकोइल एक्सप्रेस और हम उसी ट्रेन में अभी बैठे हैं। हम अभी कन्याकुमारी पहुंचने ही वाले हैं और ये जो ट्रेन है ये स्टार्ट होती है बेंगलुरु से अराउंड 5:15 शाम को और सुबह पहुंचती है 7:30 बजे नागरकोइल। तो नागरकोइल जंक्शन से हम टैक्सी लेके कन्याकुमारी जाएंगे और आगे का ट्रिप आपको मैं बताऊंगी कि कैसे होने वाला है। वैसे तो हम नागरकोइल जंक्शन में उतरने वाले हैं, लेकिन कन्याकुमारी में भी एक स्टेशन है जिसका नाम है केप और इस स्टेशन से काफ़ी कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया में। सो, आप बेंगलुरु से केप अगर आना चाहें तो आप सीधे ट्रेन से भी आ सकते हैं। अब हम उतरने ही वाले हैं नागरकोइल जंक्शन और यहाँ से हमने जो टैक्सी बुक किया है वो टैक्सी हमने होटल के थ्रू ही बुक किया है। हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग स्पर्श होटल, जो कि हमने बुक किया है कन्याकुमारी में, और देखते हैं ये जो रोड ट्रिप है नागरकोइल टू कन्याकुमारी वो कैसा लगता है। आप भी बने रहिए। नागरकोइल का जो डिस्टेंस है कन्याकुमारी तक वो है 21 किलोमीटर्स और हम हाफ एन आवर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नागरकोइल एक टाउन है जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टोन कार्विंग्स, ज्वेलरी, सी सेल क्राफ्ट और पाम लीफ आइटम्स काफ़ी मिलती हैं और वुड कार्विंग के भी और एम्ब्रॉयडरी भी की भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और नागरकोइल को एक ज़माने में फूड बास्केट ऑफ द स्टेट ऑफ केरला बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइसेस की ट्रेडिंग हुआ करती थी और ये अराउंड 14th century में होता था। जिस टैक्सी में हम बैठे हैं वो टैक्सी काफ़ी साफ सुथरी टैक्सी है और हमको जो चार्ज लगा है फ्रॉम नागरकोइल टू कन्याकुमारी वो है 2500, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, बट देना तो पड़ेगा। कन्याकुमारी को ब्रिटिश रूल के टाइम पे केप कोमरिन बोला जाता था और यहाँ पे जो सबसे फेमस जगह है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं घूमने के लिए वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैचू और त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम होता है अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का, तो तीनों का जो संगम है उसको काफ़ी सीक्रेट माना जाता है और यहाँ नहाना भी काफ़ी सीक्रेट माना जाता है और साथ ही यहाँ का जो सनराइज है और सनसेट पॉइंट भी काफ़ी फेमस है। सो, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि कन्याकुमारी में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सामने जो आप बीच देख रहे हैं वो है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया और हम बस होटल के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। तो आ गया हमारा होटल जिसका नाम है स्पर्शा होटल और आज हम लोग आपको इस होटल का टूर भी कराएंगे। अगर आपको घुसते ही कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो उसके क्या कहने।
हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ये और बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। मैंने कभी भी पिकॉक को इतने करीब से नहीं देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे इस नज़ारे को देख के। और मुझे लगता है कि कन्याकुमारी का जो हमारा ट्रिप है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब हम करते हैं होटल का टूर। सो ये है होटल का गार्डन जो कि सामने है ठीक होटल के। और होटल के ठीक सामने, जैसे कि हम आ रहे थे तब आपने देखा था, रास्ता था और उसके सामने बीच है। यहाँ का जो बीच है वो रॉकी बीच है, सैंडी बीच नहीं है, बट काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप बैठ के बीच के सामने, बट बीच पे नहीं जा सकते हैं। चलिए होटल का टूर करते हैं। तो हमको वेलकम की गया विद वेलकम ड्रिंक और शेल के माला के साथ, जो बहुत डिफरेंट था। और यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव चीज़ें भी रखी गई हैं। और देखिए आप, अंदर का जो पार्ट है वो काफ़ी डेकोरेटिव है। यहाँ पे वुडन कार्विंग, काफ़ी सारी पेंटिंग्स और काफ़ी सारी शेल्स यहाँ पे रखे गए हैं, जिनमें कि शायद ऑटोग्राफ्स है जो काफ़ी नामी हस्तियाँ जो आई यहाँ पे रही उनकी। तो हम आ गए हैं ऊपर के फ्लोर पे जो है सेकंड फ्लोर, और आप जो ये नीचे स्विमिंग पूल देख रहे हैं वो है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है। तो अब हम चलते हैं रूम के अंदर। काफी बड़ी विंडो है और दो सिटिंग एरिया है। ये बेड है जो कि काफी बड़ी है।
वॉशरूम काफी क्लीन है, सुपर क्लीन रूम है हमारा। 2 दिन मजा आएगा। बहुत बड़ा विंडो है, सी का जो व्यू है वो थोड़ा कम है, सी को कवर नहीं कर रहा है, बट जो पिकॉक्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। 7 पिकॉक्स हैं टोटल यहाँ पे और डांस कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छा व्यू है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ये पिकॉक्स यहाँ पे डांस कर रही हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ आपको कन्याकुमारी, और अब ये जस्ट हम फ्रेश होके ही निकलने वाले हैं कन्याकुमारी के ट्रिप के लिए। सो आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे चैनल को। बाय बाय।